सदफ की वजह से हो रहा है या किसी की वजह से हो रहा है या किसी आदमी की वजह से हो रहा है? नहीं। सेपरेशन क्या होती है? आज से 6 महीने पहले मैंने और मेरी बीवी सायरा ने ये डिसाइड किया कि हमारी आइडियोलॉजीज मैच नहीं कर रही और घर का माहौल खराब हो रहा है, तो आया हम दूरी इख्तियार करते हैं, स्पेस देते हैं एक दूसरे को, इसको कहते हैं सेपरेशन। और स्पेस देने के बाद ये देखा जाता है कि क्या एक आदमी और एक औरत मजीद साथ रह पाएंगे कि नहीं, और फिर फैसले बड़े बड़े किए जाते हैं, या सही हो जाता है या खराब हो जाता है। जब वो होगा तब भी आप लोगों को पता चल जाएगा, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस वक्त सायरा मेरी बीवी है और मेरी इज्जत है, और मैं नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में कुछ बोले और ना ही कोई सदफ के बारे में कुछ बोले, क्योंकि सदफ से मैं 1 महीना पहले अपनी जॉब पे मिला हूं। उस बेचारी ने मेरे साथ काम किया है, क्या वो मेरे साथ डांस करे? तो आप कि एक लड़की मेरे साथ काम कर रही है, डांस कर रही है, तो उस पर स्टैंप लगा दिया कि इसका मेरे साथ चक्कर है, और उस चक्कर की वजह से मेरा सारा का खत्म हो गया, जो कि 6 महीने से सेपरेशन हुई भी है। सदफ को मैं 1 महीने से जानता हूं। प्लीज इस बात को जरा सोचे। आई थिंक एवरी वन शुड अपोलोजाइज ऑन दिस मैटर। ऑल द पब्लिकेशंस हु आर राइटिंग क्रैप अबाउट सदफ शुड अपोलोजाइज, बिकॉज ये मेरे घर के मसले में एक थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आपने करी और उसको आपने गंदा भी किया। देखें, किसी सबूत या किसी चीज के बगैर वैसे भी किसी के बारे में कुछ बोलना एक गुनाह है। आपके भी घर में मां बहने हैं, कोई उनके बारे में कुछ बोलेगा आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे? मेरे पास तो सोशल मीडिया की ताकत है, इसलिए मैं बैठ के डिफेंड कर रहा हूं। अगर मेरे बारे में नेगेटिव बोला जाता है तो मैं उसको पॉजिटिव भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास भी तो ताकत है। ये क्या आप लोगों के पास है ये ताकत? आपकी माँ बहन के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे? तो सोच समझ के किसी की माँ या बहन को बीच में डाला करें। मैं रिपीट करता हूं, क्या सायरा ने बोला?